अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, बेसिकली हम आज आ चुके हैं कोई चिल्तन। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये मेरे दोस्त सो गाइस बने रही हमारे साथ, आपको अपडेट करता चलेंगे। आए तो पहले ही थे लेकिन व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, सो अभी हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया है, सो अपना एडवेंचर दिखाते हैं आपको। बेसिकली गाइस आ चुके हैं हम कोई चिल्तन पे, तो ये देख सकते हैं आप ब्यूटी नज़ारा, खूबसूरती हल्की हल्की माशाल्लाह। आलिया बारिशों में बहुत ही खूबसूरत हुई है हमारी बलूचिस्तान। सो आइए चलते हैं, देखते हैं, खूबसूरती एंजॉय करते हैं। सो गाइस, तारुफ करता चलूं, मेरा बचपन से ही मेरा बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्त मेरा, इसका नाम मीर अरसलान जई बंगुलजई है। सो ये रिश्ते में मेरा नेफ्यू है, लेकिन वैसे हम फ्रेंड्स के जैसे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है हम लोगों ने। सो आज का पिकनिक स्पॉन्सर होता है इसकी तरफ से। सो अरसलान भाई, पहले तो आप बताइए इस मंज़र के नज़ारे के बारे में। यार माशाल्लाह से हालिया बारिशों की वजह से हर तरफ हरियाली है, माशाल्लाह से आंखों को एक ठंडक मिल रही है यहाँ पे। आगे बलूचिस्तान है ही लैंड ऑफ ब्यूटी, माशाल्लाह से जहाँ आप देखेंगे आपको खूबसूरती ही नज़र आएगी। बेसिकली हम आए हैं इस टाइम कोई चिल्तन पे दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा मुसाफिरी पे, तो इसीलिए मैंने सोचा जाते जाते एक कुछ यादगार लम्हे होने चाहिए साथ में, इसीलिए दोस्तों के साथ छोटा सा प्लान बनाया हमने और पहुंच गए कोई चिल्तन। माशाल्लाह से बेहतरीन नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं सारे दोस्त माशाल्लाह से। सो गाइस, बेसिकली देख सकते हैं हमारे फोटोग्राफर को मेन फोटोग्राफर शर्मा रहा है, बात नहीं कर रहा है वो हमारा बहुत ही खास दोस्त मीर बख्तियार अहमद रसानी। तो गाइस, ये तो अपने तस्वीरें बनाने में बिजी है, हम लोग ऊपर जाके कुछ नज़ारे सीनरी वगैरह देख कर आते हैं, कैप्चर कर कर आते हैं, आप लोगों से भी शेयर करना है ना, तो इस वजह से यार लाइक सब्सक्राइब
और कमेंट शेयर लाजमी करना है। आजकल आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे, तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। तो अभी चलते हुए पहाड़ों की ऊंचाइयों में, थोड़ा बैठ चुका हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मैं नहीं आया कई अरसों से पहाड़ पे, सो थोड़ा दम घुट रहा है। सो अभी जाते हैं नीचे वापस, हम लोग पहले ही आए थे, मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। सो अभी जाएंगे वहाँ पे, दोस्तों ने कैंपिंग की हुई है, सो अपना कैंपिंग और अपने जो खाने वाने में कुछ चीज़ें पका रहे वो आपको दिखाते हैं। सो बेसिकली गाइज, हम अपने प्यारे दोस्तों से आपको मिलवा लेते चले। सो ये हमारे प्यारे दोस्त नादिर भाई, ये आपसे कुछ अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इस जगह के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिर सातकजी है और आज हम आए हैं चिल्तन के पीछे, एक पहाड़ है, दो पहाड़ों के दरमियान ये खूबसूरत जगह है जहाँ पे लोग आते हैं रिलैक्सेशन के लिए और इंजॉय करते हैं। यकीनन आप सबको पता है अक्सर हम बाज़ारों में जाते हैं या वहाँ घूमते हैं तो वहाँ पे हम रिलैक्स नहीं होते, तो यहाँ पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत जगह है, पानी भी है और पहाड़ों को एंजॉय करने के लिए आप सब से ये इल्तमास करते हैं कि आप भी यहाँ पे आए और जो है इस जगह को एंजॉय करें, दो पहाड़ों के दरमियान है ताकि आप भी जो है रिलैक्स हो सके। का बाकी अरे निविन पैसे पेन दे दो गड्डो के लिए आओ यम का आओ कुल मन बो फोटो ले लेंगे उसमें आओ वाला वीडियो उसका। यो गाइस, अभी हो रहा है ग्रुप फोटो, कंटिन्यू करो। आओ भाई, तो बेसिकली गाइस पहाड़ की ऊंचाइयों से उतरते हुए अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास खेमे में। सो देखते हैं, रात को स्टे करने का हुआ तो स्टे करेंगे, अगर स्टे करने का नहीं हुआ तो वापस जाएंगे इंशाल्लाह। जाके देखते हैं, दो दोस्त हमारे वहीं पे हैं, क्या पका रहे हैं वो लोग। वैसे तो गोश्त लेकर आए थे देसी कढ़ाई बनाने के लिए, तो देखते हैं एक रेसिपी सब है। ओहो, एक रेसानी साहब है, एक लेडी साहब है, उनसे भी मिलवाएंगे आप लोगों को। सो ये देखिए ऐसा रास्ता आ गया, अभी चलांग लगाना पड़ेगा यहाँ से। देख सकते हैं आप, अंधेरा होता जा रहा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे कैंप की तरफ, सो मिलते हैं कैंप में इंशाल्लाह। बेसिकली गाइस पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग की हुई है, तो कैंपिंग करने की लोकेशन दिखाता हूँ आपको।